नमस्कार, सीने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव में चला मोदी मैजिक। बीजेपी ने एक बार फिर बाजी मारी। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस को पस्त कर दिया। बीजेपी ने ढोल नगाड़े बजाकर और बम पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मनाया। वहीं गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनावों में मिली जीत पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, ये विकास की जीत है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व बदलना बीजेपी के लिए शुभ संकेत। बता दें कि गुजरात चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गज मंत्री भी हारे हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये पीएम मोदी की नीतियों की जीत है। आजादी के 70 वर्षों के बाद हमारा लोकतंत्र करवट ले रहा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर शाह ने दोनों राज्यों के वरिष्ठ नेताओं और राज्यों की जनता को बधाई दी। और साथ ही शाह ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत को जातिवाद, वंशवाद और तुष्टिकरण के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासवाद की जीत बताया। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की मतगणना के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में प्रवेश के दौरान हाथों से विजय चिन्ह बनाकर खुशी जाहिर की। मोदी जैसे ही संसद भवन के बाहर अपनी कार से उतरे, उन्होंने मीडिया कर्मियों से कोई बात नहीं की, बल्कि भवन में प्रवेश करने से पहले हाथों से विजय चिन्ह बनाया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भले ही उनकी पार्टी मंजिल तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन उसका सफर निश्चित रूप से अच्छा रहा। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए गुजरात के इस परिणाम को पहला झटका मानने से इनकार करते हुए कहा कि पहले ही टेस्ट मैच में शतक की उम्मीद करना बेईमानी है, ये पहला चुनाव था, हमने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में पार्टी ने 70 सीटों पर बढ़त बनाई है, जबकि बीजेपी अपने ही गढ़ में कमजोर साबित हुई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने चूहों की प्रजातियों के बारे में ज्ञान दिया है। उन्होंने बीजेपी और नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर कहा कि दो तरह के चूहे होते हैं, एक चूहा हारना होता है, दूसरा चूहा क्रोसना होता है। उन्होंने कहा कि हमने चूहा खाया है, इसलिए हमें पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर लगाए गए आरोपों का कांग्रेस सदस्यों द्वारा पुरजोर विरोध करने की वजह से संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नियम 267 के तहत चर्चा के लिए कांग्रेस के नोटिस के खारिज होने के बाद गुस्साए सांसदों ने सभापति के पोडियम के पास आकर मोदी और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के गांव में आजादी के 70 साल बाद पहली बार बिजली आई है। बलरामपुर जिले के जोखापत गांव के लोग बिजली आने से काफी खुश है। छत्तीसगढ़ की एक खबर पढ़कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश तो हुए, लेकिन साथ ही भावुक भी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर खबर को रीट्वीट करते हुए लिखा कि वो ऐसी खबरें पढ़कर जहां एक तरफ खुश होते हैं, वहीं थोड़ा भावुक भी हो जाते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के जीवन को चमकते हुए देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आगामी बिजली योजनाओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर घर को 24 घंटे बिजली मिलेगी। साथ ही कहा कि प्रदेश में मुफ्त बिजली कनेक्शन के तहत सरकार अब तक 21 लाख से अधिक बिजली कनेक्शन दे चुकी है। इसके साथ ही योगी ने उन्नाव के बीघापुर स्थित महाप्राण निराला इंटर कॉलेज OCI से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का शुभारम्भ किया। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सीहेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है सिने आजकल india@gmail.com। बीजेपी विधायक आशीष सिंह द्वारा सीएमओ को बंधक बनाने और उसके साथ बदसलूकी का मामला गरमाता जा रहा है। बीजेपी विधायक के खिलाफ पूरे जिले के स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो इमरजेंसी सेवाएं भी ठप कर दी जाएंगी। हैदराबाद के एक 5-स्टार होटल में पुलिस ने हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक टॉलीवुड एक्ट्रेस और टीवी एक्ट्रेस शामिल है। टास्क फोर्स को लोकल पुलिस से जिस्म फरोशी के बारे में अहम सुराग मिले थे। पुलिस के मुताबिक सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड फरार है। वे एक्ट्रेस के साथ एक रात बिताने के लिए 1 लाख रुपए चार्ज वसूलता था।
आरा से हमारे संवाददाता कुशल मिश्रा ने बताया कि नवादा थाना क्षेत्र के पकड़ी गिरीजा मोड़ के समीप एक युवक को गोली लग गई। गोली लगने से जख्मी जितेंद्र पासवान पकड़ी मोहल्ला निवासी शिव शंकर का पुत्र है। घटना के बाद घटनास्थल पर भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। परिजनों ने जख्मी युवक को इलाज हेतु सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि नवादा थाना क्षेत्र के पकड़ी गिरिजा मोड़ के रहने वाले शिव शंकर के पुत्र जितेंद्र पासवान एवं कुछ युवक आपस में ही खड़े थे। इसी दौरान पकड़ी मोहल्ले के ही युवकों ने गोली मार दी। पृथक मिथिला राज्य की मांग को लेकर लोगों ने संसद के समक्ष धरना दिया एवं प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसदों सुखदेव पासवान एवं महाबल मिश्रा, मिथिलांचल के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी अरविंद पाठक, उप महापौर भगत सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। फिल्म अभिनेता अंजनी कुमार एवं सुप्रसिद्ध गायिका अंजू झा ने अपनी वाणी एवं संगीत से मिथिलांचल के गुणों का बखान किया। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के संयोजक प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार झा के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के प्रवक्ता शिशिर झा ने की। पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान बम बम भोले के उद्घोषण, आरती और घंटी बजाने पर पाबंदी के खिलाफ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संसद के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मिथिलांचल के प्रमुख नेता एवं समाज सेवी अरविंद पाठक सहित जम्मू कश्मीर सरकार के पूर्व मंत्रियों ने हिस्सा लिया। पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष राजीव खोसला की अगुवाई में आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना था कि एनजीटी का ये फैसला करोड़ों लोगों की आस्था के खिलाफ है। चीन ने पाकिस्तान के छोटे से तटीय शहर ग्वादर के लिए 50 करोड़ डॉलर यानी करीब 3300 करोड़ रुपए ग्रांट दी है। इस छोटे से शहर के लिए इतनी बड़ी ग्रांट देकर चीन पाक पर कब्जे के लिए योजना बनाकर काम कर रहा है। ग्वादर शहर में चीन कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम कर रहा है। ये जगह अरब सागर के तट पर स्थित है और ये कमर्शियल तौर पर चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के स्टार बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने अफ्रीकी चैंपियन अनरेस्ट अमूजू को करारा जवाब देते हुए कहा है कि वो अमूजू को कुछ ही राउंड विचित कर देंगे। विजेंद्र के इस बयान से पहले अनरेस्ट अमूजू ने विजेंद्र को चैलेंज करते हुए कहा था कि वो उन्हीं के दर्शकों के सामने मुंह तोड़ देंगे। इन दोनों के बीच 23 दिसंबर को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुकाबला होने वाला है। बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा रेखा को सिनेमा क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मुझे स्मिता के नाम पर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैं यही कहना चाहती हूं कि आप सभी ने यह बहुत अच्छा किया है कि आपने पहला स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार मुझे देने का फैसला किया। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।